उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स को लेकर लिए गए फैसले के बाद सियासत में हलचल मची हुई है। इससे लेकर राजस्थान के भी कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने इसको ठीक फैसला बताया। वहीं हलाल सर्टिफिकेशन के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला करते हुए बोले कि वो कोई भी निर्णय लेते समय संवैधानिक मूल्यों का पालन नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। टीकाराम जूली बोले, भाजपा सरकार संविधान के अनुसार निर्णय लेती नहीं है, यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर निर्देश देने पड़े। वो लोगों को बांटने में विश्वास करती है, भाजपा संप्रदाय और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करती है। गौरतलब है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इसे लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को नोटिस भी जारी किया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स को लेकर एक फैसला लिया था। इस फैसले के तहत हलाल सर्टिफिकेशन वाले सामान बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा पूरे यूपी में कावड़ यात्रा मार्ग पर सभी दुकानदारों को अपनी पहचान साफ तौर पर लिखने के निर्देश भी दिए गए थे। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार कावड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी खाने पीने की दुकानों पर संचालक या मालिक का नाम होना और पहचान लिखना अनिवार्य हो, और इसके पीछे योगी ने तर्क दिया था कि ये कदम कावड़ यात्रियों की आस्था और सुशीता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।